गंगा नदी की रेत की खुलेआम हो रही है चोरी। तहसीलदार की मिली भगत से रेत माफिया के हौसले बुलंद। भंडारा जिले से बह रही वैनगंगा नदी के पूरे विदर्भ में हो रही मांगों को लेकर अब अवैध रूप से चोरियां भी बढ़ती जा रही है। जिला तथा तहसीलदार प्रशासन की ओर से हो रही अनदेखी से रेत माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। बताया गया है कि भंडारा जिले के पौनी तहसील से बड़ी मात्रा पर अवैध रेती की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पौनी तहसील के ग्राम गुद्देगांव वल्ली इटगांव के साथ साथ वैनगंगा नदी के सभी घाटों से बड़ी मात्रा में दिन रात रेती की चोरी हो रही है। गुद्देगांव से रात को सैकड़ों बांस रेत टिप्परों में भर कर खुले आम ले जाया जा रहा है। पौनी शहर में हर दिन शाम को रेती माफिया के अड्डे दिखाई देते हैं, जिसमें अधिकतर नागपुर के रेत माफिया शामिल होते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, रेत चोरी की गतिविधियां बढ़ती जाती है। पूरे रात भर 100 से भी ज्यादा टिप्परों से रेत अवैध धुलाई की जाती है। पौनी के तहसीलदार गजानन कोकदे से पूछने पर उन्होंने चोरी होने की पुष्टि की है। रेती की और रेत माफिया की ओर से जानलेवा हमले होने से रात को कार्रवाई करने में दिक्कतें आने की बात कई प्रशासन को अपने जान की परवाह न होने से रेत माफिया को रेत चोरी करने के लिए खुला मैदान छोड़ा गया है। वैनगंगा नदी की रेत की चोरी से राज्य सरकार का करोड़ों रुपयों का महसूल डूबता जा रहा है। वही रेत माफिया रातों रात लखपति बनते जा रहे। पूरे रात भर 100 से भी ज्यादा टिप्परों से रेत की अवैध ढुलाई की जाती है। पौनी तहसील से हो रही रेत की चोरी के बारे में पौनी के तहसीलदार गजानन कोकते से पूछने पर उन्होंने चोरी की पुष्टि की है और रेत माफिया की ओर से जानलेवा हमला होने से रात को कार्रवाई करने में दिक्कतें आने की बात कही। प्रशासन को अपने जान की परवाह होने से रेत माफिया को रेत चोरी करने के लिए खुला मैदान छोड़ा गया है। वैनगंगा नदी की रेत की चोरी से राज्य सरकार का करोड़ों रुपयों का महसूल डूबता जा रहा है। वही रेत माफिया रातों रात लखपति बनते जा रहे हैं। हमारे भंडारा जिला ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सरकार ने जो लाभार्थियों को 5 बरस रेत देने का जो घोषणा की है, क्या इसके अमल बजानी आपके तहसील कार्यालय से शुरू हुई है? हाँ, शुरू हुई है। मेरे पौनी तहसील में से अभी तक 650 अर्ज आए हैं, उसमें से मैंने 550 अर्ज आज तक निकाला है और सबको मैंने 5 बरस रेती के आदेश कर दिए और उसके घर पर ही पहुँच गई रेती। कितने अब तक प्रस्ताव आपके पास में आ चुके हैं? 650 प्रस्ताव आ चुके हैं, इसमें से आपने 550 में कार्रवाई कर किया है मैंने। इसके लिए कौन सा रेत घाट मतलब मंजूर किया गया? ये इटगांव रेत घाट मंजूर किया है, कलेक्टर साहब ने उसको मंजूरी दी है। सर, दूसरी बात यह है कि जैसी वैनगंगा नदी को पूरे विदर्भ के अंदर बहुत बड़ी मांग है और बहुत ही ज़्यादा कीमत से यहाँ की रेती बिकती है। निश्चित रूप से अभी तक कोई लीलाव के घाट मतलब घाटों का लीलाव हुआ नहीं है नहीं। और वैनगंगा नदी पूरे विदर्भ के अंदर फेमस है। हाँ। यहाँ की रेती ज़्यादा मांग है। एक देखा गया कि मैंने 3-4 दिन से सर्वे किया, खास करके ये गुड़ेगांव रेत घाट है, वलनी है या वैनगंगा जितने भी घाट हैं वहाँ से रेती की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ इसमें रात को लोग चोरी करते हैं, दिन में करते नहीं। हमारा जो भरारी पथक है, हमारे तरफ से जितना हम कंट्रोल कर सकते उतना हम किया है। अभी तक के 33 FIR किए हैं और 40-50 ट्रक के ऊपर और ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई की है। मैंने देखा कि एक रात को कम से कम 100 से ज़्यादा टिप्पर हर दिन यहाँ से लोड होके जाते हैं,
और खास करके तो आपके तहसील ऑफिस के सामने से गुजरता रहा, उसके मैंने वीडियोज़ पूरे रात को 3:30 बजे तक के बैठ कर मैंने उनके वीडियो भी कवर किए हैं। और नीलेश फाटे में भी तो जगह बहुत सारा गर्दी रहती है टिप्परों की, तो क्या सरकार की ओर से आपके प्रशासन की ओर से इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई क्या हो रही है? प्रतिबंधक कार्रवाई यानी जो हमारा भरारी पथक है उस वही और पुलिस वाले दोनों मिला के हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें तो बहुत सारी ढिलाईपन दिख रही है, क्योंकि आखिर रेत एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, आप उसका रक्षा करने के लिए बैठे हो, एक तहसीलदार आपकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन हर दिन लाखों रुपये की अवैध तस्करी जो यहाँ से हो रही है, तो हमारे पास जो है हम जो अवैध हमको मिलती है ट्रक उसके ऊपर हम एफआईआर करते हैं और उस गवर्नमेंट का जो फाइन है वो वसूल करते हैं। अभी तक ये सर कितने एफआईआर यहाँ से हुई है? 33 एफआईआर किए। और कितना अभी तक उनके पास जो फाइल किया गया है? तो अभी तक तो मैंने 50 लाख फाइन किया है मैंने अभी तक। अच्छा, अभी तक 50 लाख से भी ज़्यादा वसूल हो चुका है? हो चुका है। क्या लगता है कि आप तहसीलदार मतलब इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए और आगे क्या कदम उठा सकते हैं? कोई तो ये पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिना पुलिस प्रोटेक्शन से नहीं हो सकता। मैंने देखा कि बहुत सारा मतलब इलीगल इनके काम चल रहे हैं, जैसे माफिया है, देखो तो एक ट्रेफर के पीछे 4-4 गाड़ियाँ उनके पास गाड़ियाँ उनके आगे पीछे रहती है। हाँ, निश्चित रूप से एक जानलेवा भी हमला हो सकता है। हो सकता है, हमारे हमारे नायब तहसीलदार तरफ एक बार हमला हो गया है, जान जाने की भी ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए ज़्यादा रात को भी घूमना बिना प्रोटेक्शन। अच्छा, पुलिस विभाग आपको भी सपोर्ट नहीं करता इस बारे में? नहीं करते ना, जब हमने बुलाया तब करते, वही राउंड करते, लेकिन हम जब बाहर निकले राउंड पे तब बंद हो जाता। अच्छा, उनकी भी यंत्रणा भी बहुत ज़बरदस्त है ना, कि आप कहाँ जाते हो कहाँ जाते हो ना? वो तो है, सारा इसके सब नेटवर्किंग है उनका। ये तो ऐसा भी सर एक आरोप लगाया जाता है कि एक तालुका प्रशासन और रेती माफिया के कुछ संबंध है, और उनमें आर्थिक व्यवहार होने की वजह से तहसीलदार जानबूझकर उनके ऊपर मतलब डीले करते हैं। नहीं नहीं, रेती माफिया के ऊपर हमारा कोई संबंध नहीं, हमारे संबंध रहते तो हम इतने अभी तक के 50 लाख के ऊपर दंड नहीं वसूल करते और इतनी एफआईआर नहीं करते। अभी कार्रवाई करना शुरू है? कार्रवाई करना शुरू। थैंक यू सर। भंडारा जिले के वैनगंगा नदी की रेत को बहुत सारी मांग पूरे विदर्भ के अंदर मांग है, लेकिन और बहुत ज़्यादा मतलब पैसों से यहाँ की रेती की बिक्री हो जाती है, लेकिन पिछले कई महीनों से सरकार ने रेती घाट का लीलाव नहीं करने की वजह से यहाँ रेती माफियाओं का ज़्यादा मात्रा से रेती की अवैध उत्खनन हो रहा है, रेती की चोरी हो रही है, लाखों रुपये का सरकार का महसूल यहाँ से डूबता जा रहा है। इस बारे में हमने आज तहसीलदार से बात की, तहसीलदार का कहना है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन रात के समय रेती माफिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ से रेती चोरी लेके जाते हैं, जान का खतरा होने के वजह से हम उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते, ये तहसीलदार कोकरडेक का यहाँ का कहना है। लेकिन सच बात यह है कि यहाँ से रेती की चोरी बहुत मात्रा में होती है, रेती तस्करी होती है, रेती माफिया ज़बरदस्त यहाँ से रेती लाखों रुपये की रेती की तस्करी करते हैं, और सरकार का लाखों रुपये का मसला यहाँ से डूबता जा रहा है। एमएनएस न्यूज की टीम पहुंचते ही देखिए कैसे भागते हुए नजर आए लोग। का सरकार का महसूल डूबता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एवं तालुका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ के तहसीलदार को इसके बारे में सारी जानकारी है, लेकिन तहसीलदार आग बंद करके अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शंकाएं जाती है कि रेती माफिया की तरफ से मोटी रकम तहसीलदार के सामने रखी जाती है, तहसीलदार को मंथली जाती है, हफ्ता दी जाता है, इसलिए तालुका प्रशासन बिल्कुल किसी भी ओर से किसी भी तरह से कार्रवाई करने के लिए आगे पीछे देख रहे हैं। रात को पवनी से नीलज होते हुए नागपुर मार्ग में
सौ से भी ज़्यादा ट्रिप पर उससे अवैध रेती तस्करी की जाती है। पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने ये रेती तस्करी होती है, तालुका प्रशासन के सामने ये रेती तस्करी होती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। रेती माफियाओं का इतना ज़बरदस्त दबाव ये तालुका प्रशासन के ऊपर हो गया कि केवल और केवल जान बचाने के चक्कर में या जान बचाने के एक विचार से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहा जाता है कि रेती तस्करी माफिया और तालुका प्रशासन के मिली भगत से वैनगंगा नदी के रेती की अवैध तस्करी हो रही है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।